जवान का प्रीव्यू आ चुका है, शाहरुख खान पठान के बाद आ रहे, हिट सक्सेस पठान में दिया था, क्या लगता है जवान का कैसा एक्सपीरियंस? इस बार भी अच्छा ही जाएगा लग रहा है, क्योंकि ट्रेलर देख के तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक्शन भरपूर एक्शन है ट्रेलर में, बेस्ट क्या लग रहा है? बेस्ट एक्शन है, एक्शन सीक्वेंस अच्छा लगा मेरे को, और उसका लुक जो है शाहरुख खान का वो ढांसू है सबसे अलग। कितने सारे लुक बताया गया, उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा लुक आपको पसंद आया? उतना ध्यान में दिया नहीं, तकले का लुक बताया गया, एक जवान का लुक बताया, जो मुंह में जो पट्टी बांधता है मम्मी के जैसा बनता है वो, क्या बात, मस्त लगता है। क्या लगता है कितने करोड़ कमा पाएगी ये फिल्म? अब देखो कहानी अच्छी रही तो फिर पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी। वाह, और इसमें नयनतारा भी है, दीपिका पादुकोण भी। हां दीपिका भी, उसका भी एक्शन अच्छा लगा मेरे को। क्या बात है, 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 5 में से अभी तो ट्रेलर को तो 5 दूंगा पूरा। और शाहरुख खान के लिए क्या कहने रहेगा? शाहरुख खान के लिए क्या कहूँ, अब तो उनके घर के सामने करा हूँ, क्या बोलूँ। थैंक यू बस। पठान के बाद शाहरुख खान जवान लेके आ रहे, कैसा लगा ट्रेलर देखने? एक नंबर भाई, मचा दिया भाई, बहुत तगड़ा है भाई। क्या बेस्ट क्या लग रहा है पूरे ट्रेलर भाई? उसमें मतलब एक्शन बहुत बहुत मारू है भाई, एक नंबर। इतने सारे लुक दिखाए गए उनके, एक टकला लुक है, एक मम्मी के टाइप लुक है, एक जवान का लुक है भाई। वो मम्मी वाला जो ना, मम्मी वाला एक नंबर है भाई, बहुत जबरदस्त। इसका जो इसको मास मसाला लग रहा है वो कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, मजेदार है। क्या लगता है पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी फिल्म? भाई तोड़ देगी भाई। इसमें दीपिका पादुकोण भी लग रही है, वो एकदम सस्पेंस है ना, दीपिका पादुकोण पहले नहीं पता था, वो बाद में अचानक से आई ना तो मजा आ गया भाई। शाहरुख खान के लिए क्या कहना रहेगा? भाई शाहरुख खान के लिए भाई बिग फैन। ओ 5 में से ट्रेलर के लिए कितने स्टार देने चाहिए भाई? 5 में से 10 दे दो भाई, एकदम जबरदस्त है भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। फाइनली पठान के बाद शाहरुख खान आ रहे जवान को लेके, ट्रेलर देखने के बाद कैसा लग रहा है? ट्रेलर देखने के बाद तो मैं यही कहूँगा, किंग इज बैक। बॉलीवुड का जो रियल हीरो है और रियल किंग है वो वापस आ गया है, और एक टाइम पे जो बॉलीवुड को हम लोग कर रहे थे कि वो डाउनफॉल जा रहा है, यही वो रियल स्टार है जो उसको ऊपर लेके जाएगा। और बैक टू बैक इनकी जो डंकी आने वाली है, सुपर डुपर हिट होगी। शाहरुख खान ने अब तक रोमांटिक बॉय या फिर एकदम लवर बॉय टाइप, उन्होंने अब तक अपने किरदार को हमेशा पर्दे पे निभाया था। फर्स्ट टाइम मतलब 2023 से वो मास अवतार में लोगों के सामने आ रहे, ये जो बदलाव वो लेके आ रहे, कितना अच्छा लग रहा है, फिर कितना इफेक्टिव लग रहा है? नहीं वो हर रोल में फिट है, बट उनका जो एक रोमांटिक किरदार है वो तो टॉप नोच है, उसके लेवल पे तो कोई नहीं जा सकता। और अभी जो उनका किरदार है एक्शन हीरो मास में, वन ऑफ द बेस्ट, लुकिंग फैबुलस, बहुत रॉकिंग स्टार है, और बॉलीवुड और पूरे वर्ल्ड की शान है वो। क्या बात है, पठान ने 1000 करोड़ कमाए थे, क्या लगता है जवान को दिखने में कितने करोड़ कमा पाए? इसको तो पार करेगा, खुद अपने रिकॉर्ड को ये तोड़ेगी, और डंकी तो और सुपर डुपर हिट होगी, क्योंकि जो राजकुमार हिरानी बना रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी फिल्म भी होगी आई थिंक, उसका ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। बट अभी जो मूवी आ रही है जवान, अल्टीमेट होगी। अच्छा जवान में बेस्ट आपको क्या देखने मिला है पूरे ट्रेलर में? बेस्ट उसका शाहरुख खान का जो एक्टिंग है, उनका जो डायलॉग सीन है, एक्शन है, वो सब कुछ बेस्ट है। उनका जो प्ले करने का, रोल प्ले करने का जो तरीका है ना, वन ऑफ द बेस्ट। इसमें 3 से 4 लुक दिखाया गया, एक मम्मी का लुक टाइप दिखाया गया, एक बाल्ट टाइप मतलब टकले टाइप है, और इसमें एक जवान टाइप दिखाया गया जो एकदम हैंडसम लग रहा है रेड कलर के शर्ट में। क्या लगता है जो लुक दिखाया गया सबसे बढ़िया लुक आपके हिसाब से कौन सा? ऑब्वियस बात है उनका जो यंग लुक होगा वो वन ऑफ द बेस्ट होगा। क्या लगता है जवान जिस तरीके से जिसका इसका वेव बना चुका है, लोगों को पसंद आने वास्ते मतलब आ सकती है क्या? नहीं ये तो श्योर शॉट है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आ सकती कि नहीं आ सकती, आएगी ही, डेफिनेटली आएगी। ठीक है, शाहरुख खान है, ऑब्वियस बात आएगी। व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5 फॉर दिस जवान? 5 out of 5। एंड व्हाट वन मैसेज दैट वुड बी यू वुड लाइक टू गिव टू एसआरके? सबको तो मैं यही बोलूंगा, मूवी मिस मत करना, शाहरुख खान की मूवी है और किंग है वो। देखना। थैंक यू। ट्रेलर तो एब्सोल्युटली बहुत फाइन है, जो जैसा किंग का जो पर्सनैलिटी वो सूट कर रहा है एक्शन पे, काफ़ी अच्छा ट्रेलर बनाया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस में आया सही, तो ये डेफिनेटली वो भी बहुत हिट सुपर हिट जाएगी। एक मास एक्शन अवतार में शाहरुख खान अपने किरदार में लोगों के सामने नए अंदाज में आ रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके का एक मुड़ा वो ले रहे हैं? एकदम परफेक्ट जो आए हैं वो अभी बहुत, वो पहले एक्चुअली वो रोमांटिक में ज़्यादा थे, अब वो एक्शन कर इसमें आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें सूट कर रहा है वो एक्शन का, वो जो भी वो है जितना वो पठान में एक्शन दिखाए हैं टॉप नॉच था वो, और जवान के लिए भी हम लोग वैसे ही वेट करें कि वो पठान जैसा ही एक्शन देखने को मिले हम लोग को। ट्रेलर देखने के बाद, जवान का ट्रेलर देखने के बाद क्या बेस्ट आपको लगा है? उनका बेस्ट लगा है जो अभी जो कुछ थोड़ा डायलॉग वगैरह आया उनका, वो बेस्ट लगा है, और उनकी आवाज़ का जो डायलॉग रहता है ना वो हिला देता है आदमी के ऑडियंस को, ठीक है ना, वही हम लोग सुनने के लिए जाते हैं एक्चुअली। और उनका जो यंग लुक है, काफ़ी रेड शर्ट पे, काफ़ी
कूल लग रहा है। म्यूजिक वगैरह, एक्शन वगैरह, वो बीजीएम तो सॉलिड उसका है जवान का, कुछ नया देखने को मिला है। क्या लगता है पठान के बाद फिर से थिएटर हिलेंगी? थिएटर हिलेंगी, थिएटर हाउसफुल जाएंगे, जैसा पठान में हुआ था ना, थिएटर हाउसफुल जाएंगे। कुछ कुछ को टिकट भी नहीं मिलेंगे। चलो पांच में तो जाते थे, कितने सर देना चाहेंगे जवान? पांच में तो पांच। ऐसा कौन सा पर्टिकुलर मैसेज आप आपकी तरफ से शाहरुख खान को देना चाहेंगे? शाहरुख खान को यही है ना कि अभी डंकी आ रही है और आने वाले फ्यूचर में भी उनकी बहुत सारी एक्शन मूवी का भी सुने कि आएगी ही, और अभी एक्शन मूवी आएगी तो वो तो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर तो जाएगी, क्योंकि ये SRK की है भाई, किंग है वो, और फास्ट शो फास्ट देखना बनता है अपने को। बस वही है शाहरुख खान के लिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।